लोग कम है, लोग इतना ज्यादा नहीं है। आ रहा है बिल पकड़ने में, औरत को दे रहा है, बार बार मोहतरमा को पकड़ा रहा है, सफेद चमड़े वाले को। और यहाँ पे आजकल चल रहा है क्योंकि देसी, आई थिंक देसी ओनर है यहाँ पे। नाइट लाइफ के लिए तो आप यहाँ आओ ही मत, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ लौंडे हैं, काले काले लौंडे, और उनके लिए आती है एकदम बुटी बुटी, ओल्ड ओल्ड, मोटी मोटी सी, सारी जितनी भी मोटा कमाए हैं। और ये एक अपार्टमेंट है एक इंडियन का, यहाँ पे इंडियन बहुत सारे बिजनेसमैन हैं। वैसे एक बिजनेसमैन का ये होटल का बिजनेस है, रेगाल अपार्टमेंट्स, जो कि टूरिस्टिक एरिया में है। वाह, बढ़िया सा है। और मेरे को वो मिले थे फेसबुक के ग्रुप पे, तो उन्होंने मुझे इनवाइट किया कि आओ दो रात मजे से रुक जाओ मेरे अपार्टमेंट पे, अपना ही घर समझो। अपार्टमेंट मतलब होटल टाइप्स, बढ़िया है। तो आज फ्राइडे है, फ्राइडे सैटरडे इधर रुकूंगा। ये है सेनेगम्बी एरिया के साइड में, जो कि ज़्यादा टूरिस्टिक है, इधर ही रुकते हैं। तो पीछे जो होटल है रेगाल अपार्टमेंट, वो है एक देसी भाई साहब का, उधर रह रहा हूँ। और सामने ही है एरिया सेनेगम्बिया। वैसे सेनेगम्बिया का मैंने सुना था कि बहुत ही टूरिस्टिक एरिया है, बहुत ही कमाल का एरिया है। ये देखो भाई, ऐसा है अफ्रीका में, ऐसा ही मिलेगा मज़ेदार सीन। तो मैंने सुना था गाम्बिया में सबसे ज़्यादा मज़ेदार सीन है, अभी तक तो कुछ नहीं दिख रहा है। और ये है सेनेगम्बिया का मेन स्ट्रीट या फिर मेन एरिया कह सकते हो। यहाँ पे दोनों सारे मार्च है, बिजनेस सेंटर से, होटल से, कैफे से, लोग शीशा पी रहे, मज़े कर रहे हैं। आज तो फ्राइडे है, लगता है शाम को आऊँगा तब आपको दिखेगा यहाँ का नाइट लाइफ। और यहाँ पे कुछ टूरिस्ट रहते हैं ज़्यादा। और सामने की तरफ जाएंगे तो बीच मिलेगा, सेनेगम्बिया बीच। बट बहुत ही मना मना हालत है, लग ही नहीं रहा कि ये हाई टूरिस्टिक जगह है। अफ्रीका से क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम। तो ये यहाँ पे फाइव स्टार होटल है, और यहाँ पे जो बीच है ये पिछले बीच से बेटर है। मैं यहाँ पे आ गया हूँ, आज समुद्र का मज़ा लेने पूरा प्रिपेयर होके, मज़ा आएगा। ये पावला स्पेन से। Hi guys, nice to see you. Nice to meet you. हम लोग स्पेनिश में बात करें, मेरा स्पेनिश थोड़ा प्रैक्टिस हो रहा है, और मज़ा आएगा अभी समुद्र में जाएंगे। सही है, बढ़िया है यहाँ, बढ़िया है। और लोग कम है, लोग इतना ज़्यादा नहीं है। सनसेट बहुत ही बेसिक था, पर पानी ठीक ठाक था, पानी बहुत गंदा है ये तो बोलना पड़ेगा। पानी में बहुत सारे मतलब बैग, प्लास्टिक, कीड़े, बहुत कुछ है। मतलब पानी ठीक ठाक था गर्मी की वजह से, पर पानी बहुत ही गंदा है, तो उतना मज़ा नहीं आया जितना मतलब एक साफ पानी में होना चाहिए। अफ्रीका में शायद ऐसे ही गंदे गंदे पानी मिलेंगे, अच्छे पानी सेनेगल के उधर दिखा था, डाकार के उधर, बट इधर तो नहीं है। थैंक यू। बहुत महंगा खाना खा रहा हूँ यार, तकरीबन $10 का खाना खा रहा हूँ यहाँ पे आज। सर्विस यहाँ पे बहुत ही स्लो है, बहुत ही स्लो है। खाते हैं ये लोग मछली खा रहे हैं, मैं बंगाली हूँ, मछली नहीं खाता, मैं खा रहा हूँ पास्ता। और यहाँ पे आजकल चल रहा है क्योंकि देसी, आई थिंक देसी ओनर है यहाँ पे। तो ये है होटल, और ये सामने का एरिया, और वो बैनर एरिया जो है वो है सेनेगम्बिया। सनसेट होने को आया है, आज मेरा डे 7 या फिर 8 है गाम्बिया में, 7 है सैटरडे। और मैं कुछ खास कर नहीं रहा अभी, बस ये जो इंडियन का होटल है, इंडियन होटल में रह रहा हूँ। नीचे एक सुपरमार्केट है, वो भी इंडियन का है, बहुत सारे इंडियन है, सब यहीं पे रह रहे हैं, मस्त है। इनको ज़्यादा आजू बाजू का पता नहीं है, ज़्यादातर जो इंडियन इधर ही आते हैं, इधर ही रहते हैं, इधर ही काम कर रहे हैं। अभी मैं जा रहा हूँ नीचे का पूल पे, कल तो समुद्र में गया था, अभी यहाँ के पूल पे जाके थोड़ा चिल करते हैं, आप लोगों से बातें करते हैं और आगे बढ़ते हैं।
उधर है कैसीनो, आप देख सकते हो। हम लोग हैं यहाँ पे इस एरिया में जिसे कहते हैं अपना सिने कांबिया। कल रात को मैंने एक बहुत ही महंगी जगह पे खाना खाया था। कल रात को मैं खाना खाया जिसका मेरा बिल आया अराउंड तकरीबन 1000 रुपये का। एक पास्ता था और एक बियर था। आज हम लोग अनियन अनियन सॉस और उसका बिल आया था 1000 रुपये। आज मैं खा रहा हूँ 25 रुपये में ब्रेड के साथ थोड़ा दाल, 25 25 दलासी में जो कि हो जाता है तकरीबन 40 रुपये से भी कम यहाँ पे इस टपरी में। और फिर जाएंगे वहाँ पे और बात करेंगे गांबिया की एक अलग टाइप के टूरिज्म के बारे में जो आप लोगों ने शायद सुना होगा या फिर नहीं सुना होगा। मैंने तो नहीं पता था, मेरे को फिलहाल हाल ही में पता चला है एक महीने पहले। आप लोगों को शेयर करूँगा यहाँ पे क्यों गांबिया का टूरिज्म इतना फेमस है और क्यों यहाँ पे बहुत लोग आते हैं अलग अलग देश से, स्पेशली यूरोप से। तो आपको यहाँ पे एक खास टूरिज्म के बारे में बताते हैं। वैसे तो आप लोग देख चुके हो मेडिसिन, मैंने मेडिसिन दिखाया। बैंकॉक के बारे में हर कोई जानता है कि लोग इंडिया से बैंकॉक क्यों जाता है। और जो मेरे पुराने फॉलोअर्स हो आप लोग भी पता है कि जो एक्स टूरिज्म है वो काफ़ी प्रचलित है बहुत सारे देशों में, कि बंदे जाते हैं बैचलर हो शादीशुदा हो कोई भी हो वो जाते हैं बंदे एक्स टूरिज्म करने के लिए और उस सब कंट्रीज में जाके टूरिज्म का मजा लेते हैं। ये एक टाइप ऑफ टूरिज्म है, एक टाइप ऑफ ट्रैवल है, तो इसको एड्रेस करना ज़रूरी है। तो एक्स टूरिज्म में ज़्यादातर जेंट्स या फिर लड़के जाते हैं इस सब कंट्रीज़ में। बट अफ्रीका में भी एक्स टूरिज्म करने लड़के आते हैं बहुत सारे कंट्रीज़ में। बट अफ्रीका में स्पेशली एक्स टूरिज़्म एक दूसरा फॉर्मेट में आता है, जैसे कि लड़कियाँ, जी हाँ मोहतरमा, वो लोग आते हैं एक्स टूरिज़्म करने के लिए यहाँ पे अफ्रीका में। अफ्रीका में बहुत सारे देश इसलिए फेमस है कि लड़की आती है बॉयफ्रेंड ढूंढने के लिए या फिर प्यार ढूंढने के लिए, और उसमें से सबसे ज़्यादा फेमस है ये दी गांबिया। जी हाँ, दी गांबिया में बहुत सारे डाइवोर्स पुराने ओल्ड या फिर मोटी यूरोप से सफ़ेद चमड़ी वाली लड़कियाँ आती हैं और यहाँ पे अपना जीवन साथी ढूंढने के लिए, कुछ कम टाइम के जीवन साथी ढूंढने के लिए। यहाँ पे अभी देख रहे हैं कितना अच्छा म्यूजिक हुआ, पार्टी हुआ। यहाँ पे बहुत सारी मोहतरमा है और यहाँ पे मैंने तो ये बियर लिया, ये पड़ा मेरे को 130 दलासी मतलब हो गया तकरीबन $2, $160 पकड़ लो, और 170 रुपये पकड़ लो एक बियर का। और यहाँ पे मैंने नोटिस किया जब भी वेटर आ रहा है बिल पकड़ने में, कभी भी किसी आदमी को नहीं बिल दे रहा है, बिल का जो कार्ड रहता है वो हर वक्त औरत को दे रहा है, बार बार मोहतरमा को पकड़ा रहा है सफ़ेद चमड़े वाले को, और जो लोकल है उसको बिल नहीं पकड़ा रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो सफ़ेद वाले हैं वही सबका मतलब अपना प्रेमिक का ध्यान रखते हैं पैसों से प्यार से पता नहीं कैसे, और ये सब बस घूमते रहते हैं। यहाँ पे मेरे सामने अभी बहुत कुछ चल रहा है बस दिखाता नहीं, बाहर बाद में आके बात करते हैं। वैसे बहुत ही छोटा एरिया है, ज़्यादा बड़ा है नहीं। यहाँ से आप चलोगे 10-15 दुकान, 10-15 बार भी नहीं होगा कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे होगा आपके पास, मेरे को तो टोटल में 10 दिखे शायद। कुछ क्लब्स हैं, मैं अभी एंट्री करने गया था बट बहुत भीड़ है, अभी 1:30 बज रहा है रात के, बहुत भीड़ है। और एंट्रेंस का टिकट भी लेते हैं तो मैं एंट्री का चांस भी नहीं लिया, मैं बस वापस घूम जा रहा हूँ। बाकी यहाँ पे इंडियंस बहुत सारे दिख रहे हैं महंगी महंगी गाड़ी में, जैसे सामने वाली गाड़ी पर आप देख सकते हो महंगा गाड़ी था, वहाँ पे देसी था। पीछे जो रेस्टोरेंट है इनके ओनर्स भी सब इंडियंस हैं, इंडियंस अच्छा धंधा कर रहे हैं, लोग परेशान नहीं करते यहाँ पे।
नाइट लाइफ के लिए तो आप यहाँ आओ ही मत, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ लौंडे हैं, काले काले लौंडे, और उनके लिए आती है एकदम बुड्ढी बुड्ढी, ओल्ड ओल्ड, मोटी मोटी, सारी जितनी भी मौत आदमा है। मैं तो आ गया हूँ अपने होटल पे वापस, अभी रात के 2 बज गए। अभी फनी बात यह है कि दूसरे सब कंट्रीज़ में जो फीमेल काम करने वाली होती है वो सब मेन जगह पे रहती है, पर यहाँ पे अलग सीन है। यहाँ पे आप देख सकते हो, नहीं मेरे होटल के सामने आप देख सकते हो कि नहीं, तो यहाँ पे जैसे मैंने देखा कि फीमेल जो है जो काम करती है वो सब हिडन है, मेन डिमांड तो आदमियों का है, क्योंकि मैंने रेस्टोरेंट में देख रहा था कि बहुत सारे ओल्ड लोग हैं। तो ये जो फेमस चीज़ है यहाँ पे गामिया का, ये ऐसे शुरू नहीं हुआ, क्योंकि ये ब्रिटिश कॉलोनी है और रिपोर्ट्स पाया गया है कि बहुत सारे यूरोपियन महिलाएं ओल्ड बहुत ही अनसेफ, मतलब अनहैप्पी रहती है अपनी लाइफ से, क्योंकि डिवोर्स हो जाता है, प्यार नहीं करता, कोई नहीं करता। तो यहाँ पे स्पेसिफिकली सिर्फ एक्स टूरिज्म के लिए नहीं आते, यहाँ पे ये लोग लाइफ पार्टनर होने के लिए आते हैं। और जो लड़के लोग यहाँ पे रहते हैं वो क्या करते हैं, इसका मौका उठाते हैं, छोटे बच्चे भी होते हैं और बूढ़े भी होते हैं, सब कोई कोशिश करते हैं कि फीमेल किसी को पकड़े और फिर चले जाए यूरोप में। ऐसे बहुत सारे केसेस है कि उनको मिल जाता है वीज़ा और चले जाते हैं यूरोप में रहने के लिए, पर बहुत सारे फीमेल भी मेल की तरह भी होते हैं, यहाँ पे आते हैं, रहते 6 महीने 1 साल और फिर वापस चले जाते हैं। बट इस 6 महीने वो जो बंदा रहता है वो मज़े करता है, खाना वो पियो, पैसे उड़ाओ, नए कपड़े खरीदो। मार्केट्स में मैं था यहाँ पे सेरेकुंडा मार्केट पे, तो मैं 3-4 जगह पे देख चुका हूँ, कैमरा में रिकॉर्ड नहीं कर पाया, कि एक फीमेल सफ़ेद वाली काला साथ में लेके जा रहा था, घुमा रहा था। तो यहाँ पे एक रात का सीन नहीं होता है, यहाँ पे जो लड़की लोग लेते हैं यहाँ पे फुल पैकेज चलता है, 1 महीने का 1 साल का पता नहीं, पर ऐसा है यहाँ पे टूरिज्म गाम्बिया में, फीमेल एक्स टूरिज्म, क्योंकि फीमेल ही आते हैं यहाँ पे ज़्यादा, मेल तो कम ही आते हैं, मेल को जो आना है वो लोग दूसरे कहते हैं। पर ये सिर्फ गाम्बिया में नहीं है, ये तंजानिया में भी है, ये केन्या में भी है, बट गाम्बिया क्योंकि यूरोप से बहुत ही पास पड़ता है और ये जो बुज़ुर्ग मोहतरमा है इनको ज़्यादा फ्लाइट लेने की एनर्जी नहीं है, डॉक्टर परमिट नहीं करता, कि ये लोग ज़्यादातर लंदन या फिर जर्मनी से टक करके आके वापस आ जाते हैं। और ऐसा ही सीन है यहाँ पे, मैं सोता हूँ, मेरे को क्या लेना देना यहाँ पे, अभी मिली थी मेरे को ये होटल के सामने 3-4 लड़कियाँ थी, तो मैंने मना करके आ गया रूम पे, अभी सोते हैं, रात के 2 बज रहे हैं, सही है ना। यहाँ पे बार्गेन आसान है, ये टोपी मैंने ले लिया 200 का बोल रहा था, 120 में ले लिया, यानी कि $2, यानी कि 160 रुपये। पुराना वाला टोपी मेरा खो गया था। ये सेरेकुंडा मार्केट यहाँ पे सबसे बड़ा मार्केट है, यहाँ पे बहुत बवाल है, मैं ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर रहा, लोग बहुत गुस्सा कर रहे हैं रिकॉर्डिंग से, तो मैं कहीं पर खाने जाता हूँ और खाना दिखाता हूँ आप लोगों को, बाकी ये टोपी सही है। कल रात को स्ट्रीट फूड खाया था, उतना मज़ा नहीं आया, अभी आ गया हूँ अच्छी जगह पे। यहाँ पे ऐसा है कि छोटे मोटे रेस्टोरेंट के प्राइसेस और स्ट्रीट फूड के प्राइसेस ऑलमोस्ट सेम है। अभी मैंने कुछ लोकल फूड ऑर्डर किया है 125 दलासी में, यानी कि $2 में, खाते हैं देखते हैं। गर्मी है बहुत, हाय गर्मी, एसी चालू कर दे यार। ये है सेरेकुंडा मार्केट, जो मेन मार्केट है सेरेकुंडा एरिया का, नाम से ही जाता है सेरेकुंडा मार्केट, यहाँ पर बेटर है, ये रहता है मेन। मैंने ऑर्डर किया ये दामोदा, बाकी आप चीज़ों पे प्राइस देखोगे तो सब कुछ इंटरनेशनल जो आइटम्स हैं वो सब ज़्यादा महंगे हैं, अफ्रीकन डिश सस्ते हैं, तो अफ्रीका में अफ्रीकन डिश खाना पड़ेगा। ये ग्रेवी देखने में तो बहुत मज़ेदार लग रहा है, बटर चिकन जैसा, खा के देखते हैं। एकदम अपना बटर चिकन जैसे ही फ्लेवर है, $2 में मस्त, खाते यार एंजॉय करते ये वाला मील, बहुत ही स्वादिष्ट था, बट चावल बहुत ही बेकार थे,
और अफ्रीका में खाओ तो बीच बीच में एक दो कंकर तो मिल ही जाएंगे, नॉर्मल बात है। बट अब तक का अफ्रीका का मेरा सबसे बेहतरीन खाना ये था, दामोदा रिवर। जैसा देखा उस वैन में मैंने दिया 10 यानी कि 13.5 रुपए और उसमें इंडियन गाने बज रहे थे और लोग डिस्कस कर रहे थे। इस गाने में धर्मेंद्र था या फिर अमिताभ था, ये लोग डिस्कस कर रहे थे। अजीब लगा क्योंकि यहाँ पे पता नहीं कैसे इंडियन मीडिया इतना पहुँच गया, इतना मूवीज पहुँच गए, पुराने वाले नए वालों की बात नहीं चल रहा। रास्ते की हालत देखो, धूल ही धूल। हम लोग कैपिटल में ही हैं। बिजलो फॉरेस्ट इको टूरिज्म पार्क नेचुरल ट्रेस मंकी पार्क इधर। चलो मंकी पार्क जाते हैं, मंकी देखते हैं, सस्ता है तो देख लेते हैं। वो समुद्र के तट पे ही है, ज़्यादातर चीज़ समुद्र के तट पे है। दिगाम्बिया में नदी के अंदर जाके किसी ने शायद ज़्यादा एक्सप्लोर भी नहीं किया होगा, ज़्यादा कुछ है भी नहीं, मैं भी नहीं करने वाला। बताओ फेमस मंकी पार्क है, साइन ऐसा है। उधर मेरे को कुछ इंडियंस मिले, वो मेरा लाइफस्टाइल सुन के शॉक हो गए। क्या चल रहा है यहाँ पे? टिकट। व्हाट वी मेक आवर ट्रांसपोर्ट टू गो बैक बिफोर द एंड ऑफ द मंथ, आवर ट्रांसपोर्ट लंच ब्रेकफास्ट 150 डॉलर यानी कि तकरीबन $2.25 which is the 12th, this is the one, right? Now, this way? Yeah. Yeah. बहुत गुस्सा हो गया क्योंकि मैंने इनको पैसा नहीं दिया अलग से गाइड करने के लिए। गाइड का पैसा मांग रहे हैं, फिर मांग रहे पैसा कि आप केला खरीदो, आलू खरीदो, बादाम खरीदो बंदरों के लिए। ऐसे तो मैं पार्क्स वार्क जाता नहीं, इधर चलो चला आ गया, कुछ कर नहीं रहा गाम्बिया में, कुछ तो कहीं पर कुछ कर लूँ। तो यहाँ पर मैंने ले लिया ये टिकट जो कि मेरे को पड़ा अभी तकरीबन 200 रुपये का। हाँ 200 रुपये का टिकट। अभी देखिए कुछ बंदर दिखता है कि नहीं, ऐसे तो लग रहा है कि मैं जंगल में चल रहा हूँ। भाई एक बंदर दिख गया ऑलरेडी, अभी आ रहा है माल के लिए, अभी आ रहा है माल के लिए। मेरे को डर लग रहा है। ओके गाइस, हाउ शुड वी रन? यू फीड देम, यू शुड गिव देम वन बाय वन, दे हंग्री, दे माइट हर्ट यू। नो नो नो, यू कुड डू, यू गाइस फर्स्ट, लेडीज फर्स्ट। व्हाट? लेडीज फर्स्ट, लेडीज फर्स्ट के। या ये लोग गाम्बिया से, इनको भी डर लग रहा है मेरे ऐसा। लेडीज फर्स्ट, you're here with Gambians, yes, but that's nice. Eh? Oh, give little. Call your friends, call your family. उधर पूरा परिवार है, पूरा परिवार वेट कर रहा है कि हम लोग जाके बादाम या फिर केला खिलाएं। मैंने तो अभी तक नहीं खिलाया, मेरे को थोड़ा डर लग रहा है। आप लोगों को पता है कि मेरे को इन सब चीज़ों से डर लगता है बहुत। अभी तो बहुत बड़ा गैंग है, 5-6 मंकीज, तो अभी देखते हैं इनको कैसे खिलाया जाए। ओह देयर्स ऑलमोस्ट 100, लुक एट द बिग वन। Okay, wait, come on. Okay. Things are getting out of control. Oh, yeah. This is a झगड़ा हो रहा है यार, group. This is a gang war. No, gang war. You guys will not continue? You want to continue? On the direction, yes. हम लोग भाग गए, बहुत सारे मंकी।
Hey, hello. यार बहुत जंगली है यार। इधर हम लोग बंदर बंदर खेल रहे हैं और उधर जंगल में मंगल हो रहा है। कहाँ हो रहा है? जंगल में मंगल हो रहा है। Okay. इसका दाढ़ी देख रहे हो आप लोग? कितना बुढ़ा है, कितना खाया होगा, मोटू सा है। बड़ा ही साधारण सा पार्क है, ज़्यादा कुछ करने के लिए है नहीं। बस मंकी को थोड़े दाना डालो, फोटो लो उनके साथ और निकल जाओ। मैं तो शॉक्ड हूँ कि मैं अकेला टूरिस्ट हूँ, बाकी यहाँ पे ऑलरेडी 5-6 लोकल्स दिख गए। तो ये तो मेरे को यहाँ पे लोकल्स के लिए 50 है, लोकल के लिए 50 यानी कि 70 रुपये। तो यहाँ पे ये तो लग रहा है मेरे को नॉर्मल पार्क ही है, चैप्टर अपने शहरों में होता है। लोकल्स भी एंटरटेन के लिए थोड़ा तो शांति के लिए इधर आ जाते होंगे, बाकी तो कुछ नहीं है। तो यहाँ पे रोड साइड में चिकन बिक रहा है 50 दलासी में। ये ब्रेड मैंने अलग से लिया 10 दलासी का यानी कि 14 रुपये, 50 दलासी यानी कि 70 रुपये का चिकन मिलेगा। इसके अंदर डालूंगा और खा लूँगा। मैं बन गया अफ्रीकन ब्रेड के साथ सब कुछ मिला के खाने वाला। ये रोड साइड है, रात के 10 बज रहे हैं, आज थर्सडे है।